हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऐश्वरी रसोई। आज मैं आपके साथ थोड़ी डिफरेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है वर्मासेली की रेसिपी। आज मैं वर्मासेली को मैगी के स्टाइल में बनाने वाली हूँ। मैं इसमें सूजी की वर्मासेली यूज़ कर रही हूँ। अगर रेसिपी आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैगी स्टाइल में वर्मासेली बनाने के लिए मैंने ली है ये वर्मासेली। ये करीब 200 ग्राम वर्मासेली है, यानी कि जवे। एक बड़े साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, एक बड़े साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मटर के दाने, ये फ्रोज़न मटर है, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और ये चार लहसुन की कलियाँ हैं जिसे मैंने छीला हुआ है, दो हरी मिर्च जिसे मैंने लंबा काटा हुआ है, नमक टेस्ट के हिसाब से, और आधा छोटा चम्मच से कुछ कम मैंने लाल मिर्च ली है। और अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्चों को अवॉइड कर सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है, ये करीब 25-30 ग्राम पनीर है, और दो मैगी मसाले के पाउच। एक से डेढ़ चम्मच यूज़ करेंगे हम वाइट विनेगर, और आधा छोटा चम्मच से कुछ ज़्यादा यूज़ करेंगे हम सोया सॉस, और ज़रूरत के हिसाब से रिफाइंड ऑयल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो वर्मासेली ली हैं ये प्लेन है, मैंने इन्हें भुना हुआ नहीं है। इन्हें इसके जस्ट डबल पानी में हम इन्हें उबलने के लिए रख देंगे। पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है, और इसी समय हम इसमें चौथाई छोटी चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल एक छोटा ही चम्मच डालें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही पानी में उबाल आता है हम ये वर्मासेली इसमें डाल देंगे और एक बार हिला देंगे। और अब हम इसे अच्छी तरह सॉफ्ट होने तक उबलने देंगे। इसे सॉफ्ट होने में करीब 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, और इतने हम वर्मासेली को छौंकने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही इसमें एक अच्छा उबाल आता है हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। एक गैस पर हम गैस ऑन करेंगे, और नॉन स्टिक पैन रखकर उसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। बस सिर्फ इतना काफ़ी है। इसे गर्म होने देंगे, और जैसे ही रिफाइंड गर्म होता है हम इसमें ये बारीक कटा हुआ लहसुन कुछ सेकंड चलाएंगे, उसके बाद में ये प्याज, और इसी बीच हमारी वर्मासेली भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट तक चलाया है। इसी के बाद हम इसमें ये बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे, इसे भी 1 मिनट चलाएंगे। ये सब काम करते हुए आप गैस का फ्लेम लो ना करें, उसे फुल रहने दें। 1 मिनट बाद हम इसमें ये मटर डाल देंगे, अच्छी तरह चलाएंगे। मटर मेरी पहले ही उबली हुई है, अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं तो उसे हल्का सा उबाल लें। और इसी समय हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे। हमें कोई भी सब्ज़ी ओवर कुक नहीं करनी है। ये हरी मिर्च डाल देंगे, और अब हम इसमें ये नमक और ये लाल मिर्चें। सब्जियां हल्की सी पक चुकी हैं, अब हम इसमें ये थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डाल देंगे, बाकी हम बाद में यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इस जगह चीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब ये हमारी उबाली हुई वर्मासेली भी हम इसी में डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे।
और हल्का सा मिलाने के बाद हम इसमें ये मैगी मसाले के दोनों पैकेट डाल देंगे। व्हाइट विनेगर और सोया सॉस। सोया सॉस काफ़ी नमकीन होता है, इसे डालते हुए आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, सिर्फ थोड़ा सा, आधी चम्मच और थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और ये अच्छी तरह मिल गई है और बस हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैगी स्टाइल में हमारी वर्मासली बनकर तैयार है। अब हम बस गार्निशिंग के लिए ऊपर से थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो डालिए वरना आप मत डालिए। और हरा धनिया। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैगी स्टाइल में वर्मासली यानी कि जवे बनकर तैयार हैं। इन्हें बनाते हुए आप कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। इन्हें आप ओवर कुक ना करें और ना आप इन्हें कच्चे ही छोड़ें। ओवर कुक करेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। आप चिकनाई ज़रूर थोड़ी सी डालें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।